इंसान का एक एक दाना कीमती है। एक एक दाने के लिए किसान कितनी मेहनत करता है, कितना खर्च करता है, कितना वक्त लगाता है, इससे समझा जा सकता है। भारी भारी मशीनें, आधुनिक मशीनें आने के बावजूद भी किसान की मेहनत, किसान की लागत और किसान के वक्त में कोई खास कमी नहीं आई है। अभी जो पैडी थ्रेशर मशीन से धान निकाला जा रहा है, इसमें बहुत सारा धान जमीन में रह जाएगा और बर्बाद हो जाएगा, सड़ जाएगा, हो सकता है खाद बन जाए, लेकिन इस बढ़िया ज़मीन में, इस पड़ती ज़मीन में फिलहाल कोई खेती नहीं हो रही है, क्योंकि यहाँ पानी का इंतजाम करना बहुत महंगा है। डीप बोरिंग वेल लगाना पड़ेगा तब इधर कई ज़मीन में खेती हो सकेगी। हालांकि डीप बोरिंग वेल के जरिए अभी इस इलाके नॉन कैनाल एरिया में खेती हो रही है धान की खेती, लेकिन बहुत सारी ज़मीन अभी भी पड़ती पड़ी है, खाली पड़ी है और बरसों से खाली पड़ी है। देखिए एक किसान ये खलिहान में जो अस्थायी खलिहान है, यहाँ पर बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं जिन्हें प्रतिदिन की मजदूरी भी देनी है और किसान खुद भी मेहनत करता है, खुद अगर मेहनत नहीं करेगा तो उसे ज़्यादा लागत पड़ेगी। तो एक मजदूर की तरह एक किसान, बहुत सारे जो अच्छे किसान हैं खुद भी मेहनत करते हैं और लागत बचाते हैं। हालांकि उनके परिश्रम का, उनके मेहनत का मेहनत आना पारिश्रमिक उनको नहीं मिल पाता है। धान बेच कर अगर कुछ फायदा हो पाया तो वही उसका उसका पारिश्रमिक है। धान कट चुका है, कुछ धान हाथ से काटे गए, हसिया से काटे गए और कुछ धान जो है मशीन से भी काटे गए खेत में। तो खेत में जिस मशीन से काटे गए तो उसमें धान पूरा निकल आया, जो कि बोरों में बंद होकर अभी गोदाम में है, पड़ा है, या बाज़ार में, मार्केट में जाकर सरकारी मार्केट में बिक्री होगा या फिर सीधे मिल मालिकों के पास चला जाएगा। मिल मालिक एक एक बोरा में दो दो किलो, कभी कभी तीन किलो धान काट लेते हैं बोरा के नाम पे। बोरा 200 ग्राम का होता है और वो एक किलो काटते हैं। कभी कहते हैं कि गीला है, कभी कहते हैं कि खोखला है, इस नाम पर और भी एक किलो दो किलो काट लेते हैं। इस पर आवाज़ उठाने वाले कोई नहीं है, इसे छोटी बात समझी जाती है। हालांकि अगर एक किसान के 100 बोरा से अगर 100 किलो भी काट लिया गया तो एक क्विंटल काट लिया गया, तो एक किलो एक क्विंटल का, हालांकि कई जगह दो दो किलो भी लिए जा रहे हैं और कई जगह तीन तीन किलो भी काटे जा रहे हैं। तो ये सब सारा हर्जाना, सारा नुकसान किसान का है। बाकी सब व्यापारी हो, मिडिल मैन हो, मिल मालिक हो या सरकार हो, ये सब मज़ेदार, सब मज़े में है। आवाज़ उठाइए किसान संगठन वालों, आवाज़ उठाइए। ये जो मिल मालिक गलत तरीके से धान की कटौती कर रहे हैं, वजन में काट दे रहे हैं किलो दो किलो या तीन किलो, इस पर आवाज़ उठाना ज़रूरी है और सरकार से भी कहना जरूरी है। धन्यवाद। जय हिंद।